प्रिय मित्रों मैं आपका दोस्त गणेश अवार्ड आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ मित्रों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए सनातन हिंदू धर्म में भगवान गौतम बुद्ध को विष्णु का नवा अवतार माना जाता है बौद्ध धर्म सनातन संस्कृति से निकला हुआ एक महत्वपूर्ण दर्शन है भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म पूर्व के कई राष्ट्रों का धर्म है जिसमें जापान चीन दक्षिण और उत्तर कोरिया वियतनाम कम्बोडिया ताइवान थाईलैंड हॉन्गक तिब्बत भूटान मकाओ बर्मा मंगोलिया लागोस और श्रीलंका तो बौद्ध राष्ट्र है ही साथ ही भारत नेपाल इंडोनेशिया मलेशिया रशिया संयुक्त राज्य अमेरिका फ्रांस जर्मन ब्रिटेन बांग्लादेश पाकिस्तान कनाडा सिंगापुर फिलीपींस ब्राजील और अफगानिस्तान में भी बौद्धों की संख्या अच्छी खासी है हालांकि कुछ वर्षों में अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में बौद्धों पर हुए अत्याचारों के चलते वहां इनकी संख्या कम हो रही है कुछ लोग कहते हैं कि भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है कहते हैं कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए जो कि कुश की, की पचासवीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे इन्हीं शल्य की लगभग पच्चीसवीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध हुए थे गौतम बुद्ध शाक्यवंशी क्षत्रिय थे इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में दनपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ यशोधरा से उनको एक पुत्र मिला जिसका नाम राहुल रखा गया बाद में यशोधरा और राहुल दोनों बुद्ध के भिक्षु हो गए थे गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 560 साल पहले जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नहर देवदा जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदा के बीच नौतनवा स्टेशन से आठ मील दूर पश्चिम में रुक्मिंदेई नामक स्थान है वहां आता है जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था यह संयोग है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में उनका निर्वाण हो गया भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा गया था उनके पिता का नाम शुद्धोधन था जन्म के सात दिन बाद ही मां का देहांत हो गया सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली कुश्ती घुड़दौड़ तीर कमान रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने राजा शुद्धोदन से कहा था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा लेकिन यदि वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो इसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता और इसकी ख्याति समूचे संसार में अनंतकाल तक कायम रहेगी राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को चक्रवर्ती सम्राट बनते देखना चाहते थे इसीलिए उन्होंने सिद्धार्थ के आसपास भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया ताकि किसी भी प्रकार से वैराग्य उत्पन्न न हो बस यही गलती शुद्धोधन ने कर दी और सिद्धार्थ के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया तीन ऋतुओं के लायक तीन सुंदर महल बनवा दिए वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए पर यह सब चीजें सिद्धार्थ को संसार से बांधकर नहीं रख सकी गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना एक वृद्ध एक रोगी एक अर्थी और एक सन्यासी को देखने के बाद आई थी नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने इन सबके बारे में अपने सारथी से पूछा तो सारथी ने बताया कि जीवन में बुढ़ापा आने पर व्यक्ति रोगी हो जाता है और रोगी होने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है एक सन्यासी ही है जो मृत्यु के पार जीवन की खोज में निकलता है ये सुनने के बाद बुद्ध के मन में राजसी सुख छोड़कर वैराग्य धारण करने का ख्याल आया फिर उसी दिन आधी रात को सिद्धार्थ अपना महल त्याग कर तिस योजन दूर गोरखपुर के पास अमोना नदी के तट पर जा पहुंचे वहां उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे और केश काटकर खुद को संन्यास्त कर दिया उस वक्त उनकी आयु केवल उनतीस वर्ष की थी कठिन तप के बाद उन्होंने बोधि प्राप्त की और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान गौतम बुद्ध बन गए बोधि प्राप्ति की घटना ईसा से पांच वर्ष पूर्व की है जब सिद्धार्थ पैंतीस वर्ष के थे भारत के बिहार में बोधगया में आज भी वो वटवृक्ष विद्यमान है जिसे अब बोधिवृक्ष कहा जाता है सम्राट अशोक इस वृक्ष की एक शाखा श्रीलंका ले गए थे वहां भी यह वृक्ष है सन्यासी बनने के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया यहां उन्होंने चार आर्य सत्यों की शिक्षा दी ये चार सत्य बौद्ध धर्म के सार हैं पहला आर्य सत्य है दुख अर्थात संसार दुखमय है दूसरा दुख समुदाय अर्थात दुखों का कारण भी है तीसरा दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है बुद्ध के उपदेश तीन पिटकों में संकलित हैं ये पिटक विनय पिटक और अभिधम पिटक कहलाते हैं ये पिटक बौद्ध धर्म के आगम है क्रियाशील सत्य की धारणा बौद्ध मत की मौलिक विशेषता है उपनिषदों का ब्रह्म अचल और अपरिवर्तनशील है बुद्ध के अनुसार परिवर्तन ही सत्य है बौद्ध दर्शन का एक सूत्र वाक्य है अब दीपो भव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो गौतम बुद्ध के कहने का मतलब यह है कि, कि किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश प्रेरणा खुद बनो बुद्ध पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के मानने वाले अपने घरों पर दीपक जलाते हैं और ग्रंथों का पाठ कर गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं दोस्तों आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है इस तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं धन्यवाद